सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी बेटी को आप डॉक्टर बनने का सजेशन देंगे, आप उनके आइडोल हैं, वैसे ही जब आप डॉक्टर बनने वाले थे तो कोई भी आपकी इंस्पिरेशन हुई होगी, किसी ने तो इंस्पायर किया होगा, तो क्या थी वो इंस्पिरेशन? रश्मि जी, इसका सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर ये जनरेशन अभी एकदम नई है। जब मैं मेरे चाइल्डहुड में था या फिर मेरे वो वाले फेज़ में जब मुझे डिसीजन लेने थे, तब अभी की जनरेशन कंपेयर करूँ ना तो थोड़ा डिफरेंट है। अभी नाउ जनरेशन जो अभी छोटे बच्चे, दे आर वेरी स्मार्ट और वो डिसीजन लेने के लायक कई बार कई एज के बाद अपने आप डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर मेरी बेटी बोलेगी तो मैं उसके ऊपर उसके मानूंगा, यानी मैं उसका मेरे डिसीजन में उसके ऊपर थोपूंगा नहीं। पर जब मैं मेरे प्रोफेशन में आया, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स और स्पेसिफिकली माय फादर। मेरे फादर ऐसे थे कि जिनको अंदर से कुछ ऐसा था कि भाई माय सन विल बिकम अ डॉक्टर लाइक दैट। तो उनको अंदर से ऐसा ही था कि मुझे डॉक्टर बनना था। आप बिलीव नहीं करोगे, बिफोर ज्वाइनिंग डॉक्टर आई वॉज आर्किटेक्ट। या आई हैव डन 1-2 months ऑफ आर्किटेक्ट ट्रेनिंग। इट वॉज मेरिट बेस्ड एग्जाम और आई स्टूड ऑलमोस्ट विद इन अ 10 रैंक आया मेरा। तो मेरी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर दी एनएसएमएस। पर समहाउ जब यहाँ का जो काउंसलिंग हुआ, तब पापा ने बोला कि नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, डॉक्टर मिल रहा है तो डॉक्टर। यानी इट वॉज नॉट फोर्सफुल बट इट वॉज हिज डिसीजन एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट, जो अल्टीमेटली बहुत ही वैलिड डिसीजन था, जो अभी मेरे लिए बहुत ही अच्छा पुरवार हो रहा है। सो आई थैंक्स माई पर्टिकुलर माई फादर एंड माई सिस्टर ऑल्सो, दोज हु फोर्स मी टू ज्वाइन मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में होते हैं उस वक्त, जैसे आपने बताया कि आपका परिवार था, तब शायद बुरे लगे होंगे, लेकिन आज आप उस चीज को प्राउड करते हो कि उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए ख्वाब देखा और आज आप वो अचीव कर पाए हो। यस एंड स्पेसिफिकली टू माय पेरेंट्स, दे आर माय बैकबोन। सी, उनके बिना, यानी दे आर ऑलवेज पिलर्स बिहाइंड मी। तो उनके डिसीजन को तो मैं कभी मना ही नहीं करता। और मैं स्पेसिफिकली मेरे फादर है जो मैं उनको आइडल मानता हूँ, जिनके वजह से मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ। ही इज़ रिटायर बैंक एम्प्लॉय एंड ही इज़ अ रिटायर बैंक मैनेजर, सो ही नोज़ फाइनेंसिस वेरी वेल। सो मुझे एक चीज़ है कि इतना कमाने के बाद फाइनेंस मैनेज करने का प्रॉब्लम नहीं होता। ही इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग एंड ही ऑल्सो गाइड्स मी अलॉट। वो मुझे समझाते भी बहुत अच्छा है ये सब चीज़ों में। और उनका भी विज़न है और मेरा भी विज़न है, दोनों का कंबाइंड विज़न, जो अभी तक मैं यहाँ पहुँच पाया। जी सर, अगर मैं बात करूँ तो मैम जो आपकी है, आपकी वाइफ, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ पार्टनर है? तो देखो, आप ये इन जनरल मेरी नहीं, सब लोगों की वाइफ के बारे में मैं बोलूँगा कि वो ऑलवेज बैकबोन होती है उनके, यानी पार्टनर के लिए। तो वो अच्छा रहता है तभी आदमी इतना सक्सेसफुल बनता है। तो इट इज़ गुड, आई एम वेरी हैप्पी। या सो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि देर इज समथिंग, सम एक्स्ट्रा फैक्टर देर देयर जो मुझे यहाँ तक लाने में हुआ है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, पड़ाव आते हैं, हर्डल्स हम उसे कहते हैं, तो उस तरह के चैलेंजेस, हर्डल्स आपकी लाइफ में भी आए होंगे, तो किस तरह से आपने उसे फेस किया? अब आपको मेरी मेडिकल प्रैक्टिस के शुरुआत के बारे में बताऊंगा कि मैंने मेरा MBBS 1999 में स्टार्ट किया था। 2005 में मैंने MBBS ख़त्म किया, एक साल इंटर्नशिप किया 2006 के बाद मैंने एक साल बैठ के MD की पढ़ाई की, वो 2009 में ख़त्म की। 2009 के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फिजिशियन बन गया, वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। फिजिशियन करने के 3-4 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि कम पढ़ रहा है, मैं अभी और पढ़ूँ। उसके बाद फैमिली होने के बावजूद, एक छोटा बच्चा होने के बावजूद मैं कलकत्ता गया। वहाँ पर मैंने 3.5 साल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पढ़ाई की, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ गुजरात। और वहाँ पे 3.5 साल रहने के बाद मैं 2017 में यहाँ पे अहमदाबाद में रिटर्न हुआ। अहमदाबाद में रिटर्न आने के बाद मेरी प्रैक्टिस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की स्टार्ट हुई।
अब आप देखने जाओ 1999 टू 2017 कितना गैप है, 17-18 साल का। अब मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि राम लक्ष्मण जो राम भगवान है वो भी 14 साल के वनवास के बाद वापस घर आ गए थे, मेरे तो 14 साल से भी ज़्यादा लगे, तो इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी। पर जो बीच में जो मैंने फैमिली के साथ रह के जो मैंने मेरी ये सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई की, जो ऐसा मानना लगता है कि जब लोगों की कमाई शुरू हो जाती है, जब लोगों की खुशी यानी सब जो बोलते हैं नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तब उस टाइम मैं स्ट्रगल में था, पढ़ रहा था, बट मुझे मालूम था कि एंड रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है, तो अल्टीमेटली अभी मैं खुश हूँ।